अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ काले खट्टे चने। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनती है। इसके लिए मैंने ये 200 ग्राम्स काले वाले चने लिए हैं, जिसको मैंने 10 घंटे पानी में भिगोया हुआ है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 4 टेबल स्पून अमचूर का पाउडर लिया है। ये चीज़ें हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, और एक प्याज मैंने ली है, वो भी मैंने बारीक चॉप की हुई है। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, ये मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें ये चने डाल देंगे और ये जो मसाले हैं ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। ये इतना पानी हम इसमें डालेंगे जितने पानी में बस ये चने गल जाएं, और सूखे सूखे रहते हैं ये, इसमें ग्रेवी नहीं होती है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, और अगर पानी लास्ट में बच जाए तो इसको सुखा लेंगे। तो ये हम सारी चीज़ें इसमें डाल के इसको आप मिक्स कर लें अच्छे से। ये देखिए मैंने इतना पानी लिया है कि इसमें चने डूब गए, ये दिख रहा है यहाँ से, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, और अगर लास्ट में पानी बचा भी तो हम इसको सुखा लेंगे। तो अब मैं इसको बंद करके और 5 से 6 सीटी दूंगी मैं इसमें, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चने अच्छी तरह गल गए, इसको मैंने 10 मिनट पकाया था और ये चने अच्छे से गल गए बिल्कुल, पानी इसका सूख गया, और अगर बच भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा बहुत बच जाए तो कोई मसला नहीं है। अब हम ये जो सारी चीज़ें हमने बारीक काटी थी ये हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये लीजिए खट्टे चने तैयार हैं, बहुत मज़ेदार और बहुत आसान। ज़रूर बनाइएगा इस रमज़ानों में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।